नमस्कार, CNBC आवाज पर आज हम हाजिर हैं एक बेहद खास आयोजन के सिलसिले में। हम बिजनेस से जुड़ी उस कम्युनिटी की बात करने वाले हैं जिसके वास्ता तो हर किसी का पता है, लेकिन जिसकी अहमियत को हम और आप थोड़ा नजरअंदाज करते रहे हैं या कहीं उसकी पहचान नहीं पाए हैं। हम बात कर रहे हैं देश के उन लाखों छोटे दुकानदारों की जो हमारी आपकी सबकी जिंदगी से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। इसी छोटे दुकानदार की मदद करने से हमारी छोटी सी कोशिश का विकास दुकानदार महाकुंभ आयोजित करने का हमारा मकसद क्या है और किस तरह से हम दुकानदारों की मदद करेंगे, यही बताने के लिए सच मेरे साथ हैं CNBC आवाज के एडिटर संजय पुगलिया। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीन ऐसे दुकानदार जिन्होंने अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। कोलकाता से जाने वाले मेंसवेयर ब्रांड मानेवर के मोहित टुकमानी और छोटे दुकानदारों के लिए ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म चलाने वाले AaramShop.com के CMD विजय सिंह। इसके अलावा हमारे संवाददाता इंदौर से मनीष देसाई और लुधियाना से रविंदर अरोड़ा दुकानदारों के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि मैंने संजय आपके पास आते हैं, आपने जब दुकानदार महाकुंभ के बारे में सोचा, कॉन्सेप्टलाइज किया, आपके पीछे इस सोच के पीछे पूरी जो इंडियन कहानी है, जो कंपनी का सामान है, जो हमारे आपके साथ में पहुंचता है, जिसको पहुंचाने का सबसे बड़ा रूप एक तरह का चुनावी तंत्र जिसको बोले वो है दुकानदार। बाकी दुकानदारों का एक तरीके का यह है कि वो अनशन जीरो और हमारी इकोनॉमी के लिए फ्री जाए। तो जब हम एसएमई की बात करते हैं तो इसमें एक नया उद्योग लेते हैं, हमें तो भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं। जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो जो दुकानदार है, जब बाय जब वाला पच्चीस वाला जो किराने की दुकान चलाता है, जो पुलिस है, जो हार्डवेयर की दुकान चलाता है, जो कपड़ों का दुकानदार है, इन पर फोकस नहीं रहता, उनके विशेष सामने नहीं आते। और अभी तक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि एक बियर लाने वाला है रिटेल में, उसका क्या असर पड़ेगा मोहल्ले की दुकानों पर, जिनको कहते हैं कि किराना शॉप बोले, मानन का शॉप बोले, जो भी बोले। मेरा कहना है कि ये इसी वक्त ये सोचने का वक्त है कि इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पोजिशन बड़ी साफ है, हम जब ये आयोजन कर रहे हैं दुकानदार वहाँ से, तो ये मान के कर रहे हैं कि भले ही बड़ा वाला रिटेलर आ जाए, बड़ी तादाद में आ जाए, विदेशी प्लेयर आ जाए, इनकी जगह, इनकी हैसियत, इनकी महत्ता हमारी इंडियन सोसाइटी में कम नहीं की जा सकती। लेकिन वही वक्त है कि दुकानदार अपने आप को स्केलअप करने के लिए क्या सोच रहे हैं, अपने को मॉडर्नाइज करने के लिए क्या सोच रहे हैं, क्योंकि स्मॉल रिटेलर को अनऑर्गेनाइज करने के लिए बोला जाए और मैं क्यों नहीं हो सकता। इन इश्यूज को, सवाल को, चैलेंजेस को हम सामने रखेंगे दुकानदार मार्केट के लिए। तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगी ये पूछने के लिए कि हम ये कैसे करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने मेहमानों से बात करने से पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि इनकी कामयाबी की कहानी क्या है। सिर्फ 10 साल में एक दुकान से 134 अच्छा सफर और 200 करोड़ रुपए का सहयोग हुआ। आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ये सच कर दिखाया है कोलकाता के इतने ड्रेस मटीरियल ब्रांड मानेवर ने। हर सफर के ग्राहकों के तहत चैनल होने की वजह से मानेवर का ज्यादा आईपीएस के बड़े रहते हैं। First of all, I
से प्रोग्राम दुकानदारों के लिए नहीं कंज्यूमर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक तो मॉडर्न रिटेल का और जो प्रोफेशनल रिटेलिंग का जो मैसेज है वो चलता है और दुकानदारों को भी एक नॉलेज मिलता है और दुकानदारों से कंपनियों से बड़े बड़े रिटेलर से प्रोफेशनल से जो फ्यूचर रिटेलिंग का फ्यूचर चार सौ साल से सुनती आ रही हूँ बड़ी डॉक्टर।